रनों की जरूरत है, अब 8.5 रन प्रति ओवर चाहिए पाकिस्तान को। और ये बढ़िया स्ट्रोक ऑन साइड में, एक ही रन मिलेगा और स्ट्राइक एक बार फिर से अफरीदी के पास पहुंच गई है और यही बात भारत नहीं चाहता था। अब 11 गेंदों में 16 रनों की जरूरत, तो भारत को यहां पर विकेट टपकाने की जरूरत है। अगर भारत एक विकेट टपकाने में सफल हो गया तो अभी भी जीत भारत के हाथों में आ सकती है। कोशिश तो यही रहेगी कि बिल्कुल सीधी गेंदबाजी की जाए और यॉर्कर लेंथ गेंदबाजी की जाए। सामना करेंगे शाहिद अफरीदी, बहुत अच्छा प्रयास, उंगलियों पर जरूर लगी गेंद, आज बहुत ही बेहतरीन कोशिश की है युवराज सिंह ने। एक कैच उन्होंने यूनिस खान का जरूर छोड़ा था। अफरीदी ने ड्राइव किया, एक ही रन मिलेगा, बहुत अच्छा हुआ। जहां तक भारत का सवाल है, क्योंकि स्ट्राइक पर अब तनवीर आ गए हैं और शाहिद अफरीदी अगर स्ट्राइक पर नहीं होंगे तो भारत की आशाएं फिर से बढ़ेगी, लेकिन काम अब उतना मुश्किल नहीं रह गया है। 10 गेंदों में केवल 15 रन जीतने के लिए बनाने हैं। तो फाइनल लेग अभी भी 30 गज के दायरे में है और अगर गेंद उसके पार चली गई तो 4 रन मिल सकते हैं। अच्छा खेलते हैं सोहेल तनवीर, उनमें वो क्षमता है कि लोअर ऑर्डर में बहुत असरदार पारी खेले, पर फिलहाल अब सामना कर रहे हैं शाहिद अफरीदी। बहुत अच्छी गेंदबाजी की है अभी तक आरपी सिंह ने, 3 गेंदें बाकी हैं इनकी, पहले 3 गेंदों में 3 रन ही आए हैं। बहुत ज्यादा तनाव है सब जगह और लॉसन तो अपने सीने पर हाथ रखते हुए बार बार, क्योंकि ऐसा जो खेल होता है वो कमजोर दिलों के इंसानों के लिए नहीं रह जाता है। और ये उठाकर मारा है उन्होंने ऑफसाइड में, मिड ऑफ के ऊपर से 6 रन, बहुत ही निर्णायक प्रहार ये शाहिद अफरीदी का, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक मिड ऑफ के ऊपर से, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक, जितनी तारीफ की जाए वो कम होगी। आरपी सिंह ने गलती कर दी, यॉर्कर नहीं किया, पर शाहिद अफरीदी ने शक्ति देखी कितनी है, सीधा आड़े बल्ले से सीधा उठाया 6 रन के लिए, कितना सही संपर्क बैटर बॉल के बीच, जगह बनाई और बेहतरीन यहां पर शॉट खेली, कोई मौका नहीं। इस बार स्ट्रोक खेला, बहुत बढ़िया फील्डिंग पॉइंट पर, बहुत बढ़िया फील्डिंग, अन्यथा यह भी चौका जा सकता था। 7 गेंदों में अब 7 रनों की जरूरत, मैच का रुख पूरी तरह से पलट कर रख दिया है शाहिद अफरीदी ने, और अभी भी भारत अगर एक विकेट हासिल कर पाता है तो इस मैच की तकदीर पलट सकती है। रन चाहिए अब महेंद्र सिंह धोनी किस प्रकार की फील्ड की जमावट रखेंगे, ये देखने वाली बात है, क्योंकि सिंगल तो आसानी से आएगा ही, बैट पर लगने से भी सिंगल आएगा, बैट से मिस होने से भी वो सिंगल दौड़ेंगे, तो खिलाड़ी आगे बुलाएंगे कि नहीं। फिलहाल पहले 2-3 ओवर के पहले 2-3 गेंद जो 30 गज की रेखा के खिलाड़ी हैं उनको तो सिंगल सेविंग के स्थान पर रखना ही होगा। तीन ओवर पहले तक जो मैच भारत के कब्जे में लग रहा था, अचानक पाकिस्तान के पाले में जा रहा है और ये फुल टॉस और कोई मौका नहीं, सीधा मिड विकेट के पार 4 रन, बहुत ही कमजोर गेंद और आराम के साथ 4 रन ले लिए।
बहुत ही अच्छा शॉट खेला यहाँ पे सोहेल तनवीर ने, बहुत आसानी से इस फुल टॉस को मिड विकेट के स्थान पर मार के चार रन हासिल किए। तो अब दो रन ही चाहिए, पाकिस्तान जितनी तारीफ की जाए वो कम होगी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर 322 रन संभव है, और एक समय तो ऐसा लग रहा था जब 9 रन चाहिए थे तकरीबन 30 ओवर के लिए, तो नामुमकिन सा लग रहा था। कमाल की क्रिकेट खेली उन्होंने। अब तो खिलाड़ी आगे बुला लेने चाहिए, अब तो सिंगल रोकने की जरूरत है, पीछे क्यों खड़े किए हैं, ऊपर से मार दें तो मार दें, सिंगल तो नहीं देना ना। अब समस्या हो कि भारतीय टीम ही एक ऐसी टीम है जो ऐसी परिस्थिति में से इस तरह का नजदीकी मैच हार सकती है, क्योंकि जिस तरह की फील्डिंग की जमावट की गई और जिस तरह की बॉलिंग, कोई न यॉर्कर्स देखने को मिले, न धीमी गेंदों का मिश्रण देखने को मिला, वो शॉट वाली गेंदें आई जिन पर चौके और छक्कों की बारिश की गई, और शाहिद अफरीदी तो ऐसी ही लेंथ की गेंदों के बिल्कुल मोहताज रहे हैं, और जब इस तरह की गेंदें मिल गई तो उन्होंने आराम के साथ रन ले लिए। एक और डॉट बॉल, फिलहाल अभी भी केवल दो ही रन चाहिए तीन गेंदों में। पहली गेंद पे जो चार रन मिल गए उससे काम बहुत ही आसान हो गया। धीरे से खेला फाइनल की तरफ, एक रन मिलेगा और दूसरे रन के लिए आना चाहते हैं, लेकिन नहीं, वापस अपनी क्रीज में, और इस तरह स्कोर्स दोनों टीमों के बराबर हो गए। और राहत की सांस ली पाकिस्तान के खेमे ने कि कम से कम वो मैच हार तो नहीं सकते हैं, और जीत की पूरी संभावना बन गई। आखिरी की दो गेंदें बाकी हैं, एक ही रन जीतने के लिए चाहिए, और क्या ही काया पलट हुआ है इस मैच का। कोई कह दे सकता था कि पाकिस्तान इस मैच को जीत सकता है, लेकिन जहीर खान के एक ओवर ने और शाहिद अफरीदी के कुछ निर्णायक प्रहारों ने एक ही ओवर में मैच की तकदीर को पलट कर रख दिया। 17 रन उस ओवर में गए और एक ही ओवर में मैच की तकदीर का फैसला पलट गया, और एक दिवसीय क्रिकेट या सीमित ओवर के रोमांच यही होता है कि जिसमें कभी भी खेल का रुख पलट सकता है। और साइड में खेला मिस्किल, और उसी के साथ जीत हासिल कर ली है पाकिस्तान ने, बहुत ही जबरदस्त जीत। शाहिद अफरीदी बहुत ही खुश, पूरा पाकिस्तान का खेमा जाग उठा है, एक नामुमकिन सा मैच को उन्होंने मुमकिन कर दिखाया। कहते थे शाहिद अफरीदी ने बहुत गलत शॉट खेला था साउथ अफ्रीका के विरुद्ध निर्णायक पांचवें मैच में, पर आज यहां पे उन्होंने करिश्मा के करीब ही कर दिखाया। 29 रन किए 14 गेंदों में, जब चाहिए था, क्योंकि जब 6 विकेट गिर चुके थे तब मुश्किल लग रहा था, पर वो उन्होंने आकर, ऐसा भी नहीं कि आते ही मारना शुरू कर दिया, क्योंकि आकर उन्होंने 2-3 सिंगल लिए, संभाला, और जब कोई और चारे नहीं थे तो उन्होंने प्रहार सा किया, पर बहुत ही संतुलित रहे वो पूरे समय। बहुत खुश होंगे पाकिस्तान के प्रशिक्षक।